बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजार जैसे पापड़ी वाले दही बड़े। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं रेसिपी को। मैंने 1.5 कप बेसन लेकर अच्छी तरह छान कर साफ कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, ऐड कर देंगे। और 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर आपने नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह ताकि हमारा पेस्ट अच्छी तरह बनकर तैयार हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। सारा पानी आपने एक ही दफ़ा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है। इस तरह घोल तैयार कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून जीरा भून कर क्रश करके ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ मैंने 1 कप भल्लियाँ ली थी, ये बाज़ार की हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। इनको मैंने 2 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। अब मैंने इनका पानी ड्रेन कर दिया और एक आलू उबाल कर भी छील कर क्यूब करके ऐड कर दिए। ये देखिए भल्लियाँ कितनी सॉफ्ट हैं। आलू को मैंने इस तरह कट किया है बारीक। अब इसमें ये टमाटर शामिल करेंगे गार्निश के लिए, खूबसूरती के लिए। और प्याज शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ बड़े साइज का प्याज है चॉप किया हुआ। और टमाटर को भी मैंने ऐसे चॉप किया बारीक। और ये पुदीना है, इसको मैंने ये फ्रीज हुआ था मेरे पास और इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। शायद सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। ये सब्ज़ मिर्चें हैं 6 से 7 अदद बारीक कट ली हैं। ये मैंने दही लिया 1/2 किलो, इसको मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी हैंड बीटर से। और ये घोल बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने रेस्ट पे रखा हुआ था 15 से 20 मिनट तक। इसको फ्राई करने के लिए बिल्कुल ये तैयार है। अब ये देखें, इस तरह आप सारी बल्ले सारे तैयार कर लें अच्छी तरह पलटते हुए। ये देखें, इनको मैं पानी में डालकर अच्छे से, इनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। पानी में मैंने 7 से 8 मिनट तक रखा था ठंडे पानी में। और ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने इसमें पापड़ी चने, ये चने मैंने 1/2 कप भिगो के बॉइल कर लिए नमक डाल के, ठंडा कर लिया। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1/2 किलो दही का पेस्ट जो मैंने हैंड बीटर से बीट करके बनाया था वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और सारे भल्ले इसमें ऐड कर देंगे ऐसे इनके ऊपर, दही को डालते जाएंगे ताकि हमारे भल्ले जूसी बनकर तैयार हों। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपने अंदर दही जो है ना, ये दही बड़े अपने अंदर चूस लेंगे इस तरह। अब इसके ऊपर हम प्याज छिड़केंगे, अब इनकी गार्निश करेंगे, प्याज डालेंगे, पुदीना, हरी मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे, सब्ज मिर्चें, इसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर। और मैंने 2 चटनियाँ बनाई थी, ये देखें। और ये दही की चटनी है, इसमें मैंने रेड लाल मिर्चें और नमक डालकर तैयार किया है। ये शामिल कर देंगे इसको स्पाइसी बनाने के लिए। इसमें थोड़ा सा मैंने पुदीना ऐड किया था और इसका मैंने रायते टाइप एक चटनी बनाई है। और ये इमली की और गुड़ की चटनी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी और स्पाइसी ये ऐड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना देती है डिश को, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा ये भी। और ये मेरी होममेड खाने वाले आटे से मैंने बनाई है पापड़ी, वो ऐड कर देंगे। छोटी छोटी करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह सारी पापड़ी को डाल देंगे और ऊपर और थोड़े से टमाटर, सब्ज मिर्चें और पुदीना ताकि हमारी डिश खूबसूरत लगे। चटनी और अब इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ। आप चाट मसाला छिड़क देंगे जो बहुत ही अच्छा लगेगा दही बड़ों में। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए मज़ेदार पापड़ी वाले दही बड़े बाजार जैसे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें।